बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि कबाब बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। हमने 1 किलो जो है वो बोनलेस चिकन लिया। आप कीमा भी ले सकते हैं या आपकी च्वाइस पे डिपेंड करता है। इसके साथ हम 100 ग्राम मोजरेला चीज का इस्तेमाल करेंगे। आपने भी सिर्फ मोजरेला चीज ही इस्तेमाल करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच लिया, पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना मैंने 1 चम्मच लिया है। हरा धनिया मेरे पास सूखा हुआ था वो भी मैंने 1 चम्मच लिया है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल हमने 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। काली मिर्च हमने 1/2 खाने का चम्मच, चाट मसाला हमने 1/2 खाने का चम्मच लिया है, नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, लेकिन आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। सफेद मिर्च पाउडर जो है वो मैंने 1.5 चम्मच इस्तेमाल किया। सूखा धनिया हमने 1.5 चम्मच इस्तेमाल किया। और ये जो क्रीम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरे पास 200 ml का पैक है, लेकिन हम इसको हाफ इस्तेमाल करेंगे। हमने 100 ml जो है वो क्रीम इस्तेमाल करनी है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 8 से 10 जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, और 1 किलो में 400 ग्राम हमने प्याज डालना है। 400 ग्राम हमने प्याज लिया है। और आज की रेसिपी की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि हम आपको बगैर चर्बी के कबाब बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है घर में भी ये चर्बी नहीं होती और बाजार में मिलती नहीं है, लेकिन अगर कोई चर्बी डालकर बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। लेकिन मैं जो आज आपको बनाना सिखा रही हूँ वो बगैर चर्बी के बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉपर मैंने ले लिया। चॉपर के अंदर हम प्याज और हरी मिर्चें इकट्ठे डालकर इसको चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ में अब मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी। हमने प्याज को बहुत फाइन बनाना है। हमारे जो प्याज है वो अच्छे से चॉप हो चुके हैं, हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपने जो प्याज का पानी है वो अच्छे से निकाल लेना है। जितना अच्छा आपका प्याज होगा बगैर पानी के, उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इस तरह एक बड़ा सारा स्ट्रेनर ले लिया है और मैं इसके अंदर ये सारे ऐड करूंगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से किसी कपड़े में डालकर भी इसको स्टेन कर सकते हैं। आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है और इसका पानी निकाल लेना है। चलिए अब मैं इसका अच्छे से पानी निकाल लूंगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चिकन का जो है वो कीमा बना लेंगे। हमने जो चिकन का कीमा बनाना है उसमें से भी अच्छे से पानी जो है निकाल देना है। आपने इस बात का अच्छे से ख्याल करना है कि चिकन और प्याज का जो पानी है वो इसमें बिल्कुल ना हो। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन था वो बिल्कुल अच्छे से इसका कीमा बन चुका है। अब हम इसका भी पानी निकाल लेंगे। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने परात ले लिए, ये खुले मुंह वाला बर्तन। अब ये मैंने जाली के अलावा, जो हमारी स्टेनर थी उसके अलावा, मैंने कपड़े में डालकर प्याज को बिल्कुल खुशक कर लिया है। और हम आपको हाथ की मदद से दिखा भी देते हैं कि ये देखें ये कितना ड्राई है। आपने बिल्कुल इसी तरह ड्राई कर लेना है। अब सेम इसी प्रोसीजर से हम चिकन का पानी भी निकाल लेंगे। अब मैंने चिकन को भी इस मसाले के अंदर हमने शामिल कर दिया जो प्याज और हरी मिर्च वाला था, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो खुश्क सा हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया, ये देखें, और इसमें कोई दाना नहीं है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले डालकर। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे सफेद मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, नमक, पुदीना और धनिया। और साथ में हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे।
अब हम इन तमाम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। ये देखें व्यूअर्स, अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चॉपर में डालेंगे ताकि ये मजीद अच्छे से चॉप हो जाए। और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको कहा था मोजरेला चीज ऐड करेंगे, तो मैंने इस तरह इसके पीसेस बना लिए थे। आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं, जिसे हम कद्दूकश कहते हैं। अब हम इसके अंदर, ये मैंने क्रीम डब्बे में से निकाल ली थी, सारी क्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चॉप करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे एक खुले मुंह वाले बर्तन में, तो मैं इसको निकालने लगा। मैंने इसको दो हिस्सों में बना लिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लिया। आपने इसको अच्छे से मलना है 4 से 5 मिनट तक। जितना अच्छा आप इसको मलेंगे उतने अच्छे हमारे कबाब जो है वो तैयार होंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मिक्सचर था वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने क्या किया, साथ बिल्कुल सिंपल हमने पानी लिया जो आम टैप वाटर होता है, और इसके साथ हमने ये कमर्शियल जो है सीख इस्तेमाल की है। खासतौर पर जो कबाब बनाने की सीख होती है वो कुछ इस तरह की मोटी होती है। अब हमने क्या करना है, पानी में इस तरह अपने हाथ डिप करना है और यहां से एक कीमे का पीस लेना है, जितना आप साइज बना रखना चाहते हैं कबाब का उस हिसाब से आपने इस तरह ले लेना, और उधर से सीख को पकड़ लेना और इसको साथ साथ प्रेस करते करते आप इसको लंबा करते जाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूं, आपने ये जो इसका स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट है इसको बिल्कुल आपने एयर टाइट कर देना है। अक्सर क्या होता है, ये मुंह खुला रह जाता था और हवा अंदर जाती है जिससे कबाब गिरने का खदशा होता है, लेकिन आपने एजेस बंद कर देने इस तरह से और इसको तैयार कर लेना। अब कबाब का साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक रखेंगे, मैंने इसको इतना साइज जो रखना था सेट कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से मैं बाकी सारे कबाब जो है वो तैयार कर लूंगी। हमने इसको फ्रिज वगैरह किसी चीज में नहीं रखा, हम इसको अब डायरेक्ट जो है वो सीखों पर लगाकर साथ साथ बारबेक्यू करते जाएंगे। अब इसी तरह मैं बाकी सारे तैयार कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह से जो है वो सीखों पर कबाब लगा लिए हैं। अब मैं साथ साथ इसको कोयलों पर पकाती जाऊंगी और साथ साथ मैं नए जो है कबाब इनके ऊपर लगाकर बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि अब आग जो है वो जली है और कोयले तैयार हैं, तो हम इसको रखकर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो कोयले थे वो जलकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम बिल्कुल रेडी हैं। मजीद हम 1 से 2 सेकंड जो है इसका वेट करते हैं कि ये अच्छे से जल जाए, और साथ में अब क्या करेंगे, हम कबाब अपने रख रख कर इनको रेडी करते जाएंगे। इस तरह से आपने आग को सेट कर लेना अच्छे से, एक जगह पे हमने आग नहीं रखनी, वरना जहां से तेल होगा वहीं से ये जल जाएगा। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर इसको रखना स्टार्ट कर दिया। लास्ट पहला शुरू का और आखिर का जो पॉइंट है वो आपने अच्छे से बंद करना है, मैं आपको फिर से याद करा रही हूं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इनकी साइड भी चेंज जरूर करनी है ताकि ये जले ना। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत ही खूबसूरत जो है कलर आ चुका है। अभी ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुए और मैं साथ साथ जो है इसकी साइड चेंज करती जा रही हूँ ताकि इनको एक जैसा जो है वो कुकिंग टाइम मिले। और इंतहाई खूबसूरत और मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम लास्ट पर आपको खाकर बताएंगे कि ये किस तरह के बने हैं।
ये देखें जी, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, और उसके बाद ये आराम से उतार देना, ये हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा इधर से पुश करना है, थोड़ा सा इधर से पुश करना है, और ये आराम से उतार, ये थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, और ये आराम से उतर, फिर इसे उतारना है, और ये उतर गया। और ये देखें, ये अब बन गया ये सुराख इसके, और ये देखें ये कैसा ज़बरदस्त बना है, टूट भी नहीं रहा, ये देखें कैसा ज़बरदस्त बना है। और जैसे मर्जी मार करें इसे, ये देखें कोई चीज़ नहीं टूटेगी ये। और ये देखें ये बेहतरीन जूसी है फुल, ये देखें फुल जूसी है, और ये मैं अब खाता हूँ, गर्म बहुत है और फुल मजेदार बनेंगे। आप बाकी बनाते हैं सारे, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने लच्छेदार जो है प्याज कट कर ली है एक प्लेट के अंदर। अब मैं क्या करूंगी, गरम गरम ही जो कबाब हैं वो हम इसको सर्व करेंगे। मैंने साथ में रायता बनाया है पुदीने और धनिए का। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसको घर पर ट्राई करो और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये डिश किस तरह की लगी। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, लेकिन जाने से पहले एज यू नो कि आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।